नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण कृषि जागरण से हूँ और आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए पहाड़ों में किस तरह से लोग इंटीग्रेटेड खेती को करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बेसिकली पिछले साल इसमें कीवी को का बगीचा लगाया गया है और उसके साथ साथ में जो नीचे मटर की खेती को किया गया है। आप देख रहे हैं कि अभी मटर हार्वेस्टिंग भी की गई है और साथ ही इन्होंने इसमें मटर के साथ मूली की खेती को भी किया गया है। तो पहाड़ों में जो छोटी जोतों पर किस तरीके से लोग एक समन्वित खेती को करते हैं ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा तो किस तरीके से जो पहाड़ी मूली की खेती को इन्होंने इसमें किया हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं कि थोड़ा गोभी को भी लगाया गया है। पिछले साल ये कीवी का बगीचा लगाया गया है और क्योंकि कीवी की बेल होती है ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरती है तो इसके नीचे खेती को किया जा सकता है शुरुआती 3-4 सालों तक। और आप देख रहे हैं कि मार्केट जो पहाड़ की मटर है वो इन्होंने अभी हार्वेस्ट की है और मटर के रेट भी अभी जो हैं पहाड़ी मटर होने के नाते इसके रेट भी मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक ट्रे मटर भी हार्वेस्ट यहाँ पर की गई है और इस तरीके से अगर आपको नीचे दिखाऊं तो पूरा कीवी का स्ट्रक्चर लगाया है और कीवी के प्लांट्स आपको मैं दिख रहे होंगे। और कीवी एक ऐसी फसल है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आने वाले 1-2 सालों में इससे ये सैंपल क्रॉप दे देगी। तो इस ओर उत्तराखंड में जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसके भी प्रयास जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो किसानों को कीवी मिशन के अंतर्गत सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर किसानों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो एक समन्वित खेती का एक जो उत्कृष्ट उदाहरण आप सामने देख सकते हैं। और धीरे धीरे किसान क्या कर रहे हैं कि किसानों को इसकी जो कीवी की खेती वो समझ आने लगी है, परंतु आज भी आवश्यकता इस बात की है कि बड़े स्केल पर इसको लार्ज स्केल पर किसानों के बीच पहुंचाया जाए जिससे कि जो माइग्रेशन है वो कम हो सके और लोग अपनी खेती किसानी से जुड़ पाएँ। मैं अलग अलग तरीके की जो ये खेती है ये पहाड़ के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी मूली और सलाद वाली मूली भी मटर के बीच में लगाई गई है। तो इस तरीके से एक तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का कार्य मटर से होता है और जो अभी पहाड़ से मटर निकलती है उसका एक ऑफ सीजन ये मटर निकलती है तो इसके रेट भी किसानों को अच्छे मिलते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो इस तरीके के समन्वित खेती के प्रयास हैं इनको और अधिक स्तर पर किया जाए। धन्यवाद।